प्रशासन ने भी उठाए एहतियात कदम। ग्रामीण हलकों में भी अब चलने लगा प्रशासन का डंडा, कोविड नियम तार तार करने वालों पर कसी नकेल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं आपके साथ तंदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने ऐसे पीड़ित संक्रमित की संख्या 11 पहुंच चुकी है। इन 11 में से 2 लोग महाराष्ट्र और 1 गुजरात से कश्मीर पहुंचा था और ये तीनों फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है। वहीं पर आज जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1148 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पर प्रशासन भी सख्त में आ गया है। बात करें अगर ओमिक्रॉन की तो जम्मू में पहले जहां 3 मामले सामने आए थे, वहीं समूचे केंद्र शासित प्रदेश में आज 8 लोगों में से इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इनमें से 4 मामले जम्मू के हैं, जबकि घाटी के बारामूला जिले में से 1 गर्भवती महिला ओमिक्रॉन से पीड़ित पाई गई है, जो फिलहाल स्वस्थ बताई जा रही है। कश्मीर में भी 22 सितंबर को महाराष्ट्र से आए 2 लोग, जबकि 26 दिसंबर को गुजरात में से आए 1 शख्स का सैंपल जीनोम किंग के लिए भेजा गया था। वहीं पर इन तीनों की रिपोर्ट में इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में जम्मू सूबे के 640 और वहीं पर कश्मीर संभाग में 508 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों ही सूबों में कोरोना महामारी अपना पांव अब और ना पसार सके, इसके लिए प्रशासन ने कुछ एहतियात कदम उठाए हैं। और तो और रेलवे विभाग भी अब पहले से और सतर्क हो गया है। इसी सतर्कता के चलते जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों की रैपिड जांच ने जोर पकड़ लिया है। ये जांच हालांकि उन्हीं यात्रियों की हो रही है जो कोविड के दोनों वैक्सीन नहीं ले पाए हैं। दूसरी ओर श्रीनगर प्रशासन भी अब फ्रंट फुट पर आ गया है, जिसके चलते डीसी कार्यालय में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए कोविड की रैपिड जांच लाजमी कर दी गई है। यानी अब अगर किसी को भी श्रीनगर डीसी कार्यालय में अपने किसी काम के सिलसिले में जाना है तो उसे बाहर पहले अपनी कोविड जांच करवानी होगी। जम्मू स्टेशन पर आ रहे पैसेंजर्स को कोविड से बचाव के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टेस्टिंग के लिए यहाँ पर स्टेशन पर ही कियोस्क लगाए हुए हैं और स्टेशन की मेडिकल टीम तैनात है। जो भी यात्री स्टेशन पर उतर रहे हैं उनका डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है। यदि वो डबल वैक्सीनेटेड हैं तो उन्हें जम्मू स्टेशन से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है डायरेक्टली। अगर उनके पास डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो स्टेशन पर ही उनका कोविड टेस्ट किया जाता है, और यदि कोई पॉजिटिव निकलता है और उसका घर ही यहाँ पर है तो उसे होम आइसोलेशन के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। यदि वो बाहर से आया हुआ है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके लिए इंतजाम किया हुआ आइसोलेशन सेंटर में उनको वहां पर ले जाया जाता है। पर हर व्यक्ति जो भी यहाँ पर आ रहा है उसका कोविड का वैक्सीनेशन स्टेटस चेक किया जाता है। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 30 टीम्स यहाँ पर तैनात है, जो राउंड द क्लॉक ट्रेन के अराइवल के टाइम पर जितने भी पैसेंजर्स यहाँ आते हैं तो हर पैसेंजर्स को चेक किया जाता है। जब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे और एसओपीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, एसओपीज का पालन करेंगे, तभी हम इससे बच के बाहर निकल सकते हैं। वरना जो ट्रांसमिशन रेट है, जिस तेजी से इन्फेक्शन फैलता है, अब की बार जो वेरियंट है ये बहुत ज्यादा वायरलेंट है और इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड बहुत फास्ट रेट पर हो रहा है, उससे बचने के लिए हमें एसओपीज का पालन बहुत करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज और सबसे गारंटीड प्रोटेक्शन मास्क से होती है, और मैं आपके जरिए सभी को अपील करना चाहता हूं कि मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें, पब्लिक प्लेसेस में जाकर मास्क पहने। जो लोग दफातर में, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं या प्राइवेट ऑफिसेज में काम करते हैं, उनसे भी मैं खुसूसी तौर पर अपील करना चाहता हूं कि एसओपीज का पालन करें।
जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमित जो है मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर कुछ एक जगहों पर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। शहरों में तो कई लोग कोविड प्रोटोकॉल की महत्ता को नहीं समझ पाए हैं। अलबत्ता ग्रामीण हलकों में भी हालात बद से बदतर होकर रह गए हैं, जहां अब अधिकारियों ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। आज जम्मू आरएसपुरा मार्ग पर आरएसपुरा के एसडीएम रामलाल की अगुवाई पर लगे नाके पर बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों पर चालान काटे गए। उधर अरनिया कस्बे के तहसीलदार रजिया और थानेदार व उनकी टीम के साथ मिलकर लापरवाह लोगों को सबक सिखाया। इस दौरान वाहक चालकों के साथ साथ उन दुकानदारों को भी चालान काटे गए जो कोविड नियमों की तार तार कर रहे थे। वहीं अखनूर में भी तहसीलदार सुरेंद्र सिंह की अगुवाही में एक टीम ने बिना मास्क के घर से निकले लोगों के चालान काटे और दुकानदारों को भी सख्त हिदायत जारी की। सभी लोगों से अपील है कि कोविड अपने बिहेवियर का पालन करें। हर लोग मास्क पहने, हर आदमी जो घर मास्क पहने। अगर गाड़ी में बैठे हैं दो से दो बंदे या दो से ज्यादा हैं वो जरूरी मास्क पहने गाड़ी के अंदर भी। कुछ लोग कहते हैं हम गाड़ी के अंदर मास्क नहीं पहने, वो भी गलत है। तो इसको इन्फोर्समेंट करना, हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। जो पब्लिक सर्विस जो बसेस जो देखा है हमने बीच में ओवरलोडिंग है विदाउट मास्क है, उसको हम चालान कर रहे हैं। तो जो गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं अगर तीन से ज़्यादा हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के वायोलेशन है और मास्क नहीं पहने उनको हम चालान। जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम जैसे मार्केट में निकले तो हमने देखा काफ़ी लोग इसी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये अपील करना चाहती हूँ कि हम बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम इस मसले को लेके काफ़ी सीरियस हो चुके हैं और जैसे कि केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए, अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा, जो कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी सिलसिले में आज रेवेन्यू टीम, ईओ म्यूनसिपैलिटी और पुलिस टीम के साथ में हमने मिलकर पूरी मार्केट का दौरा किया है। मार्केट के अलावा बाहर भी हमने चालान कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम था कि लोगों को बताएं कि अपना जो भी हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाएं। मास्क कंपलसरी है, उसके बिना जो भी हमें मिलेगा चालान नहीं की जाएगी। और दुकानदारों को भी, जैसे लोहड़ी का पर्व भी आने वाला है तो मार्केट में काफ़ी रश है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताया गया है, दुकानदारों को जागरूक किया गया है कि आपकी दुकान में जो भी लोग आते हैं बिना मास्क के आप किसी को अलाउ ना करें। और अगर ऐसा पाया गया कि किसी दुकान में बिना मास्क के कोई कस्टमर होगा तो हम दुकानदार को चालान करेंगे। कोरोना के दिन ब दिन बढ़ रहे मामलों के बीच जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज अभियान भी जारी है। अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर जहां 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के अलावा इससे ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, वहीं सोमवार से शुरू हुई बूस्टर डोज भी इन केंद्रों में लगाई जा रही है। जम्मू शहर के साथ साथ इसके सटे ग्रामीण हलकों में स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना कई लोग पहुंच रहे हैं। मेनली हेल्थ केयर वर्कर्स थे और को मोबिडिटी के लोग थे और जिन्होंने कंप्लीट, इसमें एक ही चीज हमें फुलफिल करनी है, दैट इज 9 months बिटवीन द सेकेंड डोज एंड द थर्ड डोज। हमारा तो एक ही मैसेज है विद फोल्डेड हैंड्स, हम लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ओवर क्राउडिंग को अवॉइड कीजिए और सोशल जो हमारे कोविड नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क और सैनिटाइजेशन, इसके ऊपर जोर दीजिए। के माध्यम से अपील करना चाहूंगा लोगों को कि बहुत टाइम हो गया समझाते हुए, हमें हेल्थ वर्कर्स हो गए, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, बहुत समझा लिया हमने, अब ये टाइम आ गया इट्स डू आर डाई। तो मैं चाहता हूं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बाजारों में घूमना बंद करें, गैदरिंग्स में ना जाएं, मास्क हमेशा पहने रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कम से कम भीड़ में जाएं। रियासी जिला प्रशासन ने लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने और वैक्सीनेशन का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की है। जिले के डीसी चरणदीप सिंह ने अपने संदेश में कहा कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन लोगों से सहयोग की उम्मीद रखता है ताकि कोरोना संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। डीसी ने उन लोगों से भी जल्द से जल्द कोविड की दोनों डोज लेने की अपील की है जो अभी तक इससे परहेज कर रहे हैं।
डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने हाइजीन को मेंटेन करें ताकि ये जो ट्रांसमिशन है इसको हम इमीडिएटली कंटेन कर पाएं। इसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेट अपने आप को नहीं करवाया है, हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 15 प्लस वैक्सीनेशन है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। उसके अलावा जो प्रिकॉशनरी जो डोज लगानी है वो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन जिन आदमियों ने, जिन लोगों ने अभी भी सेकेंड डोज लगवानी है, उनसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी सेकेंड डोज लगा दें, क्योंकि वैक्सीनेटेड होना आज की डेट में सेफ होने के बराबर है। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में कोरोना के एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या 70 से ज्यादा पहुंचने पर प्रशासन सख्त में आ गया है। कुपवाड़ा जिला अस्पताल में मेडिकल सुप्रीटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल गनी डार का कहना है कि अब एक बार फिर संक्रमण तेजी के साथ फैलना शुरू हो गया है, लिहाजा लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के साथ साथ यहां अपनी अपनी वैक्सीनेशन भी समुचित करनी होगी। मेरी गुजारिश है लोगों से कि जो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चूंकि अब केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इनको आप बिल्कुल ना छोड़ें। और जो वैक्सीनेशन आपकी ड्यू है, सेकंड डोज ड्यू है, या एल्डरी ग्रुप में जो बूस्टर और हेल्थ केयर वगैरह फ्रंटलाइनर्स का जो थर्ड प्रिकॉशनरी डोज बनता है, वो उसको भी लें ताकि हम इसको कर्व कर सकते हैं और इन केसेस की तादाद को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से प्रभावित समाज के गरीब तबके की मदद के लिए कई गैर सरकारी संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में बारामूला के बाठापोरा कन्हामा मागाम इलाके में एक संस्था ने जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाते हुए उनमें आज राशन किट व कंबल आदि वितरित किए। ज्यादा हो रही है, ठंड है, वहाँ बेवाओं और यतीम बच्चों में अनाज बांट रही है और कंबले बांट रही है, ताकि यानी इनके घरों में गिजा भी पहुंच जाए, ताकि इस मुसीबत ठंड से अपने आप को हिफाजत कर पाए और ब्लैंकेटों से गर्म रह पाए। तो यही हमारा काम है, एक अरसे से करते आए हुए हैं और करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने सीमावर्ती इलाकों के लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन हीना शाफी भट्ट की अगुवाई में आज सुचेतगढ़ के मोटे गांव में एक जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों को इन योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें स्वरोजगार अपनाने को भी प्रेरित किया गया। पूर्व मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। इस महीने यहाँ 80 केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं और ये अवेयरनेस इसीलिए किया गया है ताकि लोगों तक, बॉर्डर एरिया तक, हर कोने तक इन स्कीम्स का लाभ पहुंचा रहा है। ऑलरेडी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड इस साल 400% टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुकी है पूरे जम्मू कश्मीर में। इनका अगर हमारा 100% टारगेट था, हम ऑलरेडी 400% टारगेट चार गुना काम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बॉर्डर एरिया जो है, हिली एरिया है, ट्राइबल एरियाज है, उनको हम SC ST सबसे इंक्लूड करके सब तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच है, हर आदमी अपना कोई ना कोई रोजगार करके अपनी रोजी रोटी चला सके और हर इंसान रोजगार जीवन वाला बने, रोजगार मंगने वाला नहीं बने, नौकरी देने के काबिल बने, नौकरी मंगने बस ना बने। इस करके हर किस्म की फैसिलिटी, हर किस्म की आम समाज लिए सबसिडी और बड़े घट परसेंटेज लोन जरा मिले, ताकि अपने लोग इस रोजगार भी चला सके, अपनी रोजी रोटी भी चला सकन। डोडा के दूरदराज के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से कई सड़क मार्ग बाधित होकर रह गए हैं। BDC चेयरमैन शरशद नाथनू ने प्रशासन से ऐसे इलाकों की सुध लेने की अपील की है। उन्होंने बेहोटा, मरमत, गुंदना, भरत, भागला और मानू सहित कई अन्य इलाकों के हवाला देते हुए बताया कि इन इलाकों में मौसम की मार से जहां सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं बिजली और पानी की सप्लाई भी ठप होने से लोगों को कई दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा लोगों को सुविधा पहुंचाए जाने के दावे की मौजूदा समय में पोल खुलकर रह गई है।
जहाँ रोड है वो खुली नहीं है। मेरे ब्लॉक के अंदर 15 से 20 रोड हैं, मैक्सिमम रोड इस वक्त बंद पड़ी हुई है, इन लोगों ने अभी तक नहीं खुलवाई है। कल रात का एक वाक्या, एक पेशेंट था, लेडी पेशेंट थी, उसकी प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी होनी थी, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उसको किस तरीके से हमें यहाँ डोडा पहुंचाना पड़ा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। आज मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आश्वासन दिलाया कि नहीं ये हो जाएगा, एक दो दिन में हम क्लियर करवा रहे हैं, मशीनें भेजी, पर 3 या 4-5 रोडों पर एक मशीन क्या, वो भी जेसीबी मशीन, वो क्या क्लियर करेगी? ये सारा कागजों में चल रहा है जी, यहाँ वो हो गया वहाँ। मुझे ये बताएं, यहाँ आप मुझे डोडा की ही बात कर रहा हूँ कि यहाँ डोडा के अंदर पानी और बिजली नहीं है? मेरे गुंदना इलाके में आज 4 दिन से लाइट नहीं है। रात को बदकिस्मती ये है कि रात को डिप्टी कमिश्नर साहब को किसी ने फोन करके ये इतला दी है कि भाई गुंदना में लाइट है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा, डीसी साहब ने मुझे फोन किया कि आपके इलाके में जनाब कहीं लाइट नहीं है। आज सुबह 11 बजे तक लाइट नहीं थी, उसके बाद कहीं एक दो जगह जो है लाइट आई, लेकिन बाकी अस्वाइल पूरा ब्लॉक जो है मेरा अनकनेक्टेड है। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के स्कूल एक बार फिर से सूने हो गए हैं। मौजूदा समय में हालांकि स्कूलों में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं ही चल रही थी, लेकिन प्रशासन के आदेश के बाद अब इन कक्षाओं में पढ़ाई भी ऑनलाइन तरीके से हो रही है। हालांकि कोविड की दोनों वैक्सीन लगवा चुके स्टाफ को स्कूल में आने की अनुमति दी गई है, हो रही है, और शायद वैक्सीनेशन के बाद जाजे जो अभी जो पीक कह रहे हैं कि जनवरी के एंडिंग में या 15 फरवरी तक हो जाएगी, तो उसके बाद शायद फिर जो है वो ऑफलाइन मोड पर आ जाएंगे, लेकिन वो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अभी कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, और बच्चों को अभी हमें जो है वो ये डायरेक्शंस हैं कि ऑनलाइन ही जो है वो उनकी स्कूल टीचर में आ रहे हैं। हाँ, स्कूल टीचर जो हैं अभी उनके लिए कोई प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं है, लेकिन जो हमारे हैंडीकैप हैं उनके लिए जो है वो एग्जम्पशन है कि वो घर से ही जो है अपना काम काज कर सकते हैं, और बाकी टीचर्स को के लिए अभी जो है वो एक ठीक से हमारे एजुकेशन की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया है। चिनाब रीजन के बगलिहार पुल टोडा कृत्रिम झील के आसपास के इलाकों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग को लेकर इस रीजन के युवाओं ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। इन युवाओं ने बताया कि करीब 20 किलोमीटर लंबी ये झील पर्यटन के लिहाज से बेहद कारगर साबित हो सकती है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो चिनाब रीजन के युवाओं को रोजगार मिलने से अर्थव्यवस्था में भी बेहद सुधार होगा। तो वहाँ एक आर्टिफिशियल लेक बन गई है जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 किलोमीटर है, और इतनी अच्छी लेक है, लेकिन वहाँ टूरिज्म का कोई भी वहाँ हमें कुछ मतलब नहीं दिखता है, जिसकी वजह से लोग को टूरिस्ट वहाँ है। हमारी बस ये अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज इस ओर आप देखें, क्योंकि इसी तरह की ये झील हम डल झील को भी मतलब देखते हैं, वहाँ शिकारे वगैरह होते हैं, क्यों ना हमारे यहाँ भी शिकारे रुके, क्योंकि इतनी बड़ी लेंथ है। और इससे ये फायदा होगा कि रसवल डोडा में जो हम लोग बोलते हैं कि टूरिस्ट कहाँ रुकेंगे, एक दिन रुक सकते हैं भद्रवाह में, और कहाँ रुकेंगे, तो ये भी उनका एक और मतलब एड अप हो सकता है। तो जम्मू डिवीजन में ये चीज और आप मतलब टूरिज्म के हवाले से हो सकती है, तो ये डिमांड है कि इसको आप हर तरह से डेवलप करने की कोशिश करो, और इससे एक फायदा ये होगा कि लोकल एम्प्लॉयमेंट को फायदा मिलेगा, नौकरियां आएंगी। और इस मसले में हमने डॉक्यूमेंटेशन भी काफी हद तक किए, हमने पीएमओ में लेटर भेजा, उसके बाद एलजी साहब को भेजा, और हमने खुद फेस टू फेस जो हमारे डिवीजन कमिश्नर हैं राघव लंगर जी, उनसे हम मिले, उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिले, सब ने हमें अच्छे तरीके से बात की है। लेकिन हम चाहते हैं कि मीडिया के हवाले से भी एक प्रेशर बनाया जाए जिससे इस इश्यू को अच्छे से तूल मिले। और उम्र की छूट दिए जाने के बावजूद भी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को मजबूर होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके खाकी पहनने का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, इस पर अभी भी संशय ही बना हुआ है, लिहाजा उपराज्यपाल प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम इसको हाई कोर्ट में या कहीं पे भी इसको ज्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकते, ये खींच नहीं सकते। उसके अलावा भी ये जो पोस्टें 1200 पोस्टें हैं, ये फंस जाएंगी, दूसरों के लिए भी फंस जाएंगी। हमारी रिक्वेस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हम बच्चों को तंग मत करो, हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम नहीं है कि यहाँ पे आके आपको इंटरव्यू दिया जाए या रोडों पे निकला जाए या कोर्ट में केस को लिंगर ऑन किया जाए, हमारा काम है पढ़ना। आप हमें वन टाइम के लिए एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, जो हमारी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन मांगी थी, इन्होंने 2 साल की दी, हमने अब कोर्ट से भी लेके अपने लिए एक्सेप्टेंस मंगवा ली है, बट फिर भी कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी हमारे फॉर्म एक्सेप्ट किए नहीं जा रहे हैं। ये रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि प्लीज हमारी इस रिक्वेस्ट को माना जाए, हमें रिलैक्सेशन दे दी जाए, कम से कम वन टाइम रिलैक्सेशन दे दी जाए, ताकि हम भी अपने फॉर्म लगा सकें।
बीएड व अन्य कोर्सों के स्टूडेंट्स ने उनकी ऑफलाइन परीक्षाएं लेने के विरोध में जम्मू यूनिवर्सिटी में आज एक बार फिर प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। इन स्टूडेंट्स ने कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप के मद्देनजर ऑफलाइन परीक्षाएं लेने के फैसले की निंदा करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उन्हें अनसुना करने का आरोप लगाया है। पेपरों को ऑफ, जैसे आपने क्लासेस को ऑनलाइन शिफ्ट किया है, पेपरों को भी करें, क्योंकि अगर क्लास पढ़ने से कोरोना हो सकता है तो पेपर में आने से भी कोरोना हो सकता है। और बीसी चाह आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही, ये बिल्कुल आंख बिचोली खेल रहे छात्रों के साथ, हमारी मांगों को अनसुना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमें मजबूर ना करें। आज भी हम यहां पे सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारे मानदंडों का पालन करते हुए यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर मजबूर किया गया तो ये छात्र, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मांग सिर्फ बीएड के छात्रों की नहीं है, ये डिस्टेंस मोड के छात्रों की भी है जिनका कल पेपर है। और मांग ये ऑनलाइन कैंपस जितना चल रहा है, उन सभी की डिमांड है कि यदि उनकी क्लासें ऑनलाइन चले तो पेपर ऑफलाइन क्यों। इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए, जहां पे बड़ी 4-5 हजार की तादाद में अगर छात्र आ गया, उसको संभालना किसी के लिए भी बस की बात नहीं होगी। इसलिए हम आपके माध्यम से चेताना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को कि बच्चों की जो मांग है, जायज मांग है ऑनलाइन एग्जाम की, उसको तुरंत पूरा किया जाना चाहिए और स्मूथली जो हमारा एकेडमिक ईयर वो चलते रहना। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।